नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहां अब गिने चुने दिन बचे हैं और लोगों को प्रभु श्री राम के आगमन का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को भी किसी का अब भी इंतजार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहन जी की, जिनके इनकार और एकला चलो के नारे के बाद भी गठबंधन में कांग्रेस को बसपा का इंतजार है, क्योंकि 24 के चुनाव की रणनीति में कांग्रेस अच्छे से समझ चुकी है कि मायावती का एकला चलो का दाव का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने वाला है। शायद यही वजह है कि गठबंधन को अब भी माया का इंतजार है। तो आज बात होगी इनकार और इंतजार की, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। मायावती का इनकार मगर कांग्रेसी नेताओं को आज भी है मायावती का इंतजार, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि आज नहीं तो कल मायावती का दिल जरूर पसीजेगा और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर बनेंगी। सुनिए क्या कहना है कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक राय का। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बहन जी ने भी साफ कर दिया हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हर दल के पास कुछ अग्रणी संगठन होते हैं। जब पहले हंगामा करना होता है तो यूथ विंग खड़ी होती है, छात्र विंग खड़ी होती है, डराती है, धमकाती भी है कि सही से रास्ते पर रहो, सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है। भारतीय जनता पार्टी नई विंग शुरू की है, ईडी, सीबीआई, तरह तरह के गोदी मीडिया भी उनका एक हिस्सा है। तो हो सकता है बहन जी को भी लगता हो कि अभी समय ठीक नहीं है, समय आने पर बताएं। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है इंडिया एक गठबंधन के तौर पर सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी के लिए एकजुट है और आह्वान भी करती है उन सभी पार्टियों का कि जो एक मत होकर इस अहंकारी सरकार को, जो देश के लिए नहीं अपने लिए काम कर रही है, उसे हटाने के लिए मंच पर आएं, चाहे वो बसपा हो या कोई अन्य पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी को किसी से परहेज नहीं, जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया के साथ आना चाहते हैं, हम अंत समय तक उनका इंतजार करेंगे। आपको अभी भी क्या बहन जी से उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी को हर उस पार्टी से उम्मीद है जो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहता है, जो देश में बेरोजगारी मिटाना चाहता है, जो देश में अमन, खुशहाली, चैन चाहता है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। इस बात की कांग्रेस पार्टी पूरी उम्मीद करती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जब मायावती ने एकला चलो का ऐलान कर दिया और साफ कर दिया कि हाथी सीधी चाल चलेगा, तो फिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बसपा आज भी जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस की लगातार कई दौर की बातचीत दिल्ली में चल रही है और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब मंजिल दूर नहीं है। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं का ये बयान उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। मंजिल दूर नहीं, क्या समझे? अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें कितनी का दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे? कब से फैसला होगा? कितनी दिन किसी क्षण का भी कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। शीघ्र ही 80 सीटों पर हम दोनों का फैसला होने वाला है। सर, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मांग रही है ये आप मत पूछिए, जब आ जाएगा सामने तो आपको पता चल। बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, किसको नफा किसको नुकसान, ये सवाल तो है ही, मगर गठबंधन की मजबूरी क्या मायावती आज भी है जरूरी? सुनिए सपा नेता क्या कहते हैं कांग्रेसी नेताओं के बयान पर। इंडिया गठबंधन के जो साझेदार दल है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और रालोद है और चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, इनमें सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है लगभग में अंतिम पादान पर है और जल्द ही जो है कि यह सामने आ जाएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। यह मान के चलिए कि 60+ सीटों पर जो है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लगभग 10 के अंदर जो है कि कांग्रेस पार्टी को सीट शेयरिंग में दिया जाएगा। 5 से 6 सीटें जो है कि रालोद के पास रहेगी, 1 या 2 जो है कि रावण की पार्टी को दिया जाएगा। तो आज
माया के इनकार और कांग्रेस के इंतजार पर हम करेंगे बातचीत। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रतन जी आपसे ही, जिस तरह से मायावती ने इनकार किया है और एकला चलो की बात उन्होंने की है, 24 का चुनाव अकेले और अपने दमखम पर लड़ेंगी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से सूत्रों के हवाले से अभी भी जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को माया का इंतजार है, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा और कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि बहन मायावती गठबंधन में साथ मिलकर लड़े, क्योंकि लोकतंत्र की अगर रक्षा अगर कांग्रेस कर रही है तो लोकतंत्र की बात बसपा भी करती आई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और पूरा यकीन था कि मायावती जी इंडिया अलायंस के गठबंधन में आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का डर उनको सता रहा है और उनको भी पता है कि अगर वो इंडिया अलायंस में मायावती जी आती है तो प्रधानमंत्री मोदी और पूरी जो भाजपा की सरकार है उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच बैठाएगी और मायावती को जेल में जाने का डर भी सता रहा होगा। इसके लिए उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन अभी भी हमारे दरवाजे इंडिया अलायंस के दरवाजे खुले हैं। अगर हमारे साथ आती है उनका स्वागत है और अकेले लड़ती हैं तो भी उनका स्वागत है। तो आप मानते हैं कि बसपा के इस फैसले का भी कारण बीजेपी ही है? बिल्कुल बीजेपी है। बीजेपी जो ईडी सीबीआई का तोता पीछे लगा रखा है विपक्षी दलों के ऊपर, बस उसके ही डर है। और मैं आपको पहले कई बार डिबेट में कहा हूँ, बड़े बड़े चैनलों पे कहा है कि अगर जिस दिन इंडिया अलायंस में मायावती आ जाती है तो दूसरे दिन उनको जेल में डालने का काम मोदी सरकार करेगी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, क्या लगता है आपको? जी सवाल यही है कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का इतना डर, ईडी सीबीआई का इतना डर कि कोई दल अपना फैसला भी ठीक से नहीं ले पा रहा। कांग्रेस के साथ भी रह चुकी है, समाजवादी के साथ भी रह चुकी है और इनके गठबंधन सभी के साथ रह चुके हैं और मायावती जान चुकी है कि इन गठबंधनों के साथ इनका वोट तो उनके साथ ट्रांसफर होता नहीं है, उनका वोट जरूर जो है ना इनके साथ कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलता है। तो इस बात को वो अच्छी तरह मायावती की समझ रही है कि हमारा वोट जरूर ट्रांसफर होता है मगर इन लोगों का वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए उन्होंने जो डिसीजन लिया है तो अपने बुद्धि विवेक से लिया है। अब रही बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो इनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है, वो इस तरह की ईडी सीबीआई की बात करते हैं। क्या ये शायद भूल गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब इनकी यूपीए सरकार थी कि सीबीआई तो तोते पिंजरे का तोता बना दिया है, अगर हमारे कार्यकाल में सीबीआई ने इस तरह के सब एक बार भी कुछ नहीं किए हैं। नहीं, लेकिन मायावती जी यदि, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मायावती जी यदि अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा, बीजेपी को इसका फायदा कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा ये बात बिल्कुल तय है। ये सत्यता है कि मायावती का एक कोर वोट है और जिस वोट में ये पूरा जो है ना इनका जो जो ढंगिया गठबंधन है पूरा उसमें निगाह लगा कर बैठा है और वो ये जानते हैं कि अगर मायावती इनके साथ नहीं आती तो वोट इनको मिलेगा नहीं, इसलिए ये इस तरह की बातें करके कहीं उनको ईडी की बात उन्हें सुनाते हैं कहीं, मगर मन में इनके सोच यही है कि मायावती हमारे साथ आ जाए। मगर मायावती जी बहुत बुद्धिजीवी है, समझदार नेता है और इस बात को समझती है कि इस गठबंधन के साथ उनको नुकसान के अलावा फायदा कहीं से कहीं नहीं है, क्योंकि पिछले बार अखिलेश के साथ रह चुकी है और लास्ट में उन्होंने अखिलेश के साथ किस तरह से अपना गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस के साथ भी उनका रहा है, वो जानती है कि इस गठबंधन से उन्हें कोई लाभ नहीं है नुकसान के अलावा, तो इसलिए ये लोग उनके पैरों में पड़े हाथ जोड़ रहे हैं, मगर वो जब डिसीजन ले चुकी है, कह चुकी है कि हमें अकेले चुनाव मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो इनके 38 दल है इसमें से 32 दल ऐसे जिनके पास एक विधायक नहीं है, एक नाथ सिंधे के कम से कम एक दर्जन से ज्यादा विधायकों के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। अजीत पवार की इन लोग बात करते थे, जो इनके ही प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात करते थे मध्य प्रदेश में, आज वो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होकर ये कौन से वॉशिंग पाउडर से शुद्धता का सर्टिफिकेट ले लेते हैं मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इंडिया अलायंस 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है ये निश्चित हो गया है। जी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, इन्होंने
उन्होंने कहा कि अजीत पवार का नाम लिया, अरे सोनिया और राहुल का भी नाम ले लेना, 10,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है। हेरन जो हेरन के जो हेरन केस है, हेरन घोटाला किया है 10,000 करोड़ का, उसमें तो बेल पे है, सोनिया जी बेल पे है, राहुल जी बेल पे है। हिम्मत है तो जेल में डालिए ना सोनिया जी को, राहुल जी को जेल में डालिए, अगर हिम्मत है इनका भी नाम ले लिया करो, ये भी घोटाले में हिम्मत है तो जेल में डालिए ना, हम तो बोल रहे हैं कि अगर अगर उन्होंने घोटाला किया है तो जेल में डालो, दोष मुक्त है, जमानत पे है, जेल से बाहर आप झूठा आरोप किसी ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसका फैसला करता है। घोटालों की अगर कोई जननी है तो कांग्रेस है, कांग्रेस से बड़ा घोटालेबाज तो कोई है ही नहीं। यूपीए सरकार में लिप्त गया है, घोटाला सामने आता था, 2G घोटाला, 3G घोटाला, अगर स्मार्ट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, अगर नाम बनाए कॉल कॉल घोटाला नाम बनाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, घोटालों की गिनती पूरी नहीं होगी। अशोक तिवारी जी, कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, इतना तो कोई रहा ही ठीक है। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी ठीक है, गठबंधन में कांग्रेस को तो बहन जी का इंतजार है, क्या आपको भी है? जी प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है प्रियंका जी, अब कांग्रेस को क्या है ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से स्पष्ट है, बहन जी अब संघर्ष के रास्ते से अपने को हटा चुकी हैं, बहन जी अब संघर्ष के रास्ते पर अब नहीं रह गई हैं। बहन जी संघर्ष के रास्ते से हटा चुकी हैं या फिर उनकी रणनीति है, क्योंकि एकला चलो के साथ उन्होंने एक बात और भी कही है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी और चुनाव के नतीजे आने के बाद वो किसी के साथ जा सकती हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि तोलने नापने परखने का काम करेंगी और उसके बाद फैसला लेंगी? ऐसा बहुत नहीं कर रही है वो, पूरी तरह से ऐसा कुछ नहीं कर रही है, कुछ तो कहेंगी, कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ता है, तो कुछ न कुछ तो कहने में ये बोल रही है। सच्चाई ये है कि जो पीडीए है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अगड़े सारे लोग जितने भी हैं, आधी आबादी, ये सारी की सारी, सारा का सारा संघर्ष हमारे। लेकिन अशोक तिवारी जी, उन्होंने भी तो अपनी गणित लगाई है, वो जितने बार भी अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी सुनिए, उन्होंने भी तो अपनी गणित लगाई है, जितने बार भी आपके साथ आई है उनका कहना है कि उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनका नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि आप उनकी सीटें ले गए। देखिए वो जो बोल रही है अब आपको समझ नहीं आ रहा, हम नहीं कह सकते, लेकिन 10 सीटें उनको मिल गई थी, जो कि उनका खाता भी खुलने वाला नहीं था, उनका तो खाता भी नहीं खुला था पहले, तो बसपा को 10 सीटें सपा की वजह से मिली क्या? और क्या, बिल्कुल जनता जानती है, सब जानते हैं कि हमारी वजह से मिली। और यहाँ पे सवाल इस बात का, अब हमको बोलने देंगी समय देंगी एक मिनट का, तभी तो आप मैं बोल पाऊंगा। नहीं आप समय लीजिए जी, समय अगर देंगी तो मैं स्पष्ट करूंगा, जनता भी समझेगी, आपका चैनल का भी होगा कि आपके चैनल माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। सच्चाई ये है कि 19 में जनता जानती है, सारे चैनल जानते हैं, सब जानते हैं कि क्या हुआ, मायावती जी को कितना फायदा हुआ। आज वो जहर का घूंट पी करके जो भी निर्णय ले रही हैं, ये उनका क्या दबाव हम नहीं जानते, लेकिन पिछड़े दलित पीडीए के संघर्ष से अब वो बाहर हो चुकी हैं। अब सारा का सारा पीडीए, सारा का सारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अगड़े आधी आबादी, सारे के सारे लोगों का संघर्ष जो है वो कंधे पर है माननीय अखिलेश यादव जी के, आज वो उसको लेकर बखूबी निभा रहे हैं। 80 की 80 सीटों पर ये पीडीए हराने जा रहा है भाजपा को, हम संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस भी हमारे साथ में अब खड़ी है, पहले नहीं खड़ी थी अब खड़ी है, तो सच्चाई है जो भी उसका वोट बैंक होगा थोड़ा बहुत कांग्रेस का, वो भी हमें मिलने वाला है। अब सच्चाई ये है कि जो है इस समय भाजपा खड़बड़ाई हुई है, मायावती जी नहीं ठीक है, लेकिन लेकिन बहन जी ने तो ये कहा, लेकिन अशोक जी बहन जी ने तो ये कहा कि आपके साथ वो आए थे और उसके बाद आपने पिछड़ों पर ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से वो इस बार आपके साथ आना नहीं चाहती। पता नहीं किसकी भाषा बोल रही है, हम नहीं जानते, लेकिन जो भी बोल रहे हैं हल्के में जा रही है उनकी बात। आज सारा का सारा दलित वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय यादव जी के साथ है, घोसी में इसका नमूना पूरा प्रदेश, पूरा देश देख चुका है। सच्चाई है, अब लड़ाई कौन लड़ रहा है, लड़ाई भाजपा से खाली कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, क्या लगता है आपको बसपा का दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है उस पर क्या कहना है आपका? मुख्य संघर्ष की भूमिका में है, ठीक है, मायावती जी यूपी समाजवादी के साथ रह के चुनाव लड़ी, उनको तो 10 सीटें प्राप्त हो गई, मगर ये कह रहा है कि हमारी वजह से मिली, इनको खुद को नहीं मिली, मगर दूसरी पार्टी को उन्होंने जरूर सीटें दिला दी, हमारे राजनीति हमारे समाजवादी पार्टी अपन खुद सीटें नहीं ले पाते, दूसरों को दिला देते, और कांग्रेस ने
मायावती के साथ कितना बड़ा जो है ना विश्वासघात किया कि राजस्थान में उनके सात विधायक आए थे और इन्होंने एक भी विधायक नहीं छोड़ा और अशोक गहलोत ने सारे तोड़ के कांग्रेस में मिला लिए थे। तो मायावती जी इस बात को जानती है कि ये पार्टी सिवाय छल बल की राजनीति करती है, जहाँ ये सत्ता में आए तो छल और बल दोनों यहाँ पर यूज करते हैं। तो मायावती बहन मायावती समझ चुकी है कि इनके साथ जाने से उनका बहन जी ने जो इशारा किया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद वो अपना फैसला ले सकती हैं, किसी के साथ जा सकती हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी स्वागत के लिए तैयार रहेगी? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेकर सीटें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा है किसी से, जो भी दल आए सब सम्मान उनको अपने साथ लिया है, बराबर का सम्मान दिया है। आज हमारे साथ छोटे से छोटे दल हैं, इनकी एक भी सीट नहीं है, मगर हम उनको बराबर सम्मान दे रहे हैं। क्या ये भी कांग्रेस और समाजवादी दे रही है? ये पहले आपस में ही प्लान है। अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, सुना था आपने, एक उनको चालू कर, यानी कि आपका कहना है, यानी कि आपका कहना है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नहीं जाएंगे? हमें जरूरत नहीं, हम 400 पार जा रहे हैं, जनता पूरा देश आज हमारे साथ में है, पूरा देश देख रहा है। नहीं, लेकिन बहन जी ने तो इशारा किया है, नहीं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहन जी ने जो इशारा किया है, क्या उस पर गौर नहीं करेंगे? नहीं, वो समय आने पर अगर देखो ऐसा होगा तो हमने पहले भी कहा है कि हम किसी का अनादर नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, और अगर ऐसा कोई समय आएगा, ऐसी कोई चर्चा होगी, विचार किया जाएगा। रतन तिवारी जी, परहेज नहीं करते। मैं इनसे पूछता हूँ प्रियंका जी, ये 450-450 सीट का जो आंकड़ा बताते हैं इनके सारे के सारे प्रवक्ता, ये कहाँ से लेके आएंगे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट इनकी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, इन लोग तो रतन तिवारी जी वो कह रहे हैं, आप भी अपना आंकड़ा बता दीजिए, आपकी पार्टी से भी कभी कभी आंकड़ा आया है? आंकड़ा तो मैंने बार बार, कम से कम कई चैनलों पे सैकड़ों बार कहा है, इनको इंडिया लाइन 100 सीट के अंदर समेट देगा, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। तो 400 आप भी कह रहे हैं, इसका मतलब है 450 आप भी कह रहे हैं? प्रियंका जी, मैं तो 450 की तो बात कर रहा हूँ, मैं तो अटल बोल रहा हूँ। इनको बोलिए ना कि साउथ से हमने भाजपा का दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर दिया, साउथ में इनका खाता नहीं खुलने वाला है, और हम जहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की बात करते थे, वहाँ पे भी हम इनको बहुत पीछे ढकेल देंगे। तो ये 450 का आंकड़ा किस हिसाब से देते हैं? ऐसा कौन सा गणित इनको प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया और बताया है? नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी, सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जिसकी भी बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में आगे है, कैसे आगे है? अभी आगे है, लेकिन 2024 में बहुत पीछे हो जाएगी। आप देखिए ना, हमने बिहार में जो हमारा इंडिया अलायंस का गठबंधन बना है, वहां पे इनका एकदम बहुत बुरी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस का, इनको एकदम वहां से खत्म कर देंगे। और महाराष्ट्र में हमारे साथ शरद पवार है, जिनके साथ कैडर है, हमारे साथ बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी है, जिनका एक कैडर है। तो हमारे यहाँ सब कुछ दुरुस्त है, हमारे यहाँ जो 25-26-27 जो दल हमारे साथ है इंडिया में, वो जनाधार वाले लोग हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सारे के सारे प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, और इनके यहाँ पे एक चेहरे के ऊपर 28 दल पीछे लगा हुआ है। आज इनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है, ये यहाँ बैठ के झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक सीट है, समाजवादी के पास, अरे आपकी बौखलाहट, आपके चेहरे पे जो स्टिकर है ना, आप लोग करने का काम किया।
सुनेगा। आप जब जनता से रोजगार मांग रही है, जनता से महंगाई कम करने की बात कर रही है, किसान आंदोलन खड़े हो रहे हैं, तो आप धर्म के आड़ में उनको बदलाने का काम करेंगे? बिल्कुल नहीं चलेगा। भगवान राम ने देश के तमाम लोगों की आस्था है। भगवान राम के सहारे आप अपने नाव को पार कराना चाहते हो तो जनता तैयार बैठी है झंडा लेके। आप आइए ना चुनाव में, आप आइए मुद्दों की बात करिए। लेकिन ठीक है कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस जिस दक्षिण के बल पर कह रही है, दक्षिण को लेकर आपकी क्या रणनीति है कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी? कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, उत्तर और मध्य आपका मजबूत है वो सब कोई जानता है और सीटें आपके पास हैं, इसलिए आप दावा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दक्षिण की यदि बात की जाए तो दक्षिण में कांग्रेस मजबूत नजर आती है, आपकी क्या रणनीति है और उस पर क्या बोलेंगे आप, जिसके सहारे कांग्रेस कह रही है कि 450 सीटें लाएगी? बिल्कुल, आप देखती जाइए कि अगले बार जो है ना, ये 2024 में हम दक्षिण में जो हम करने जा रहे हैं, ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे जो हमारी रणनीति वहाँ के लिए चल रही है। लेकिन कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, ये दावा तो बंगाल के चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में किया गया था ना, लेकिन नतीजा तो नहीं आया आपके पास? आपने देखा नहीं कि बंगाल में हमने 18 सीटें ली, हमने थोड़ी बहुत नहीं 18 सीटें, वो हमारी 17 सीटें हमने करके दिखाया है। अब रही बात है यहाँ की, क्या नाम साउथ की, साउथ में समाजवादी का तो कुछ है ही नहीं। रही बात कांग्रेस की, फार्मूला भी अगले बार हम साफ कर देंगे, पूरा देश आपके खिलाफ खड़ी हो रही है, पार्टी आपके खिलाफ रही जी रतन जी, प्रियंका जी, इन लोग फार्मूला नहीं बताते कि ये 450 सीट कहाँ से लेके आएंगे। साउथ में हमने तो इनको ऐसा बाहर ढकेल के दरवाजा बंद कर दिया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता डंडा लेके बैठे, आइए उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाते हैं। अरे लेकिन रतन जी लेकिन सुनिए ना, दक्षिण में आप मजबूत है, ठीक है मान लिया, लेकिन आप दक्षिण के अलावा भी तो बाकी पूरे देश को देखिए ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, सब भूल जाते हैं फिर आप। जी मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, आप समझिए उस चीज को, हमने दक्षिण में इनको बाहर कर दिया। अब देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत जो पार्टी है ममता जी हमारे साथ है, महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी हम एक है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारे साथ है, बिहार में लालू और नीतीश की जो ताकत है वो हमारे साथ है। तो आप बताइए ना कि हम तो पूरी तरीके से बैकफुट में ढकेल दिए हैं, ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये परेशान हुए हैं। पिछली बार तो उन्होंने एक भी नहीं दी थी, और केजरीवाल जी हमारे साथ है, केजरीवाल जी भी हमारे साथ है। आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ये प्लान बना रही है कि हम भुरभुरा लेके आए, उनके साथ हुआ असम में, एक जनता की जनता के अब और मूर्ख नहीं बनने वाली है जनता। ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी, मैं राम बगल में छोड़ी यही भाजपा का। ठीक है यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी, अशोक जी क्या लगता है आपको? देखिए फॉर्मूला सेट हो गया आपका और कांग्रेस का, बातचीत हो रही है जी। प्रियंका जी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता है ना, वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आह्वान किया है आज मायावती जी की पार्टी संघर्ष के रास्ते से, जिसमें से 62 अभी बीजेपी के पास है, अशोक जी ये भी तो याद रखिए ना। मैं आपको आज के नजरिए से बता रहा हूँ, कल के नहीं, 2019 के नहीं, 2024 की बातें हम लोग कर रहे हैं। 2024 में मायावती जी संघर्ष के रास्ते से हट चुकी हैं, पूरा प्रदेश देश जानता है, वो क्यों डरी हुई है नहीं मालूम, लेकिन डरी हुई है या और संघर्ष नहीं कर रही है। उन्होंने अपना उत्तराधिकार भी किसी को दे दिया है, तो सच्चाई ये है कि सारा का सारा वोट बैंक पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़े, आदि आबादी,
सारे के सारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस समय संघर्ष के ठीक है, कितनी सीटें लाएंगे कांग्रेस और लोग तिवारी जी, कितनी सीटें, कितनी सीटें तिवारी जी? 80 सीटों में गिनी गिनी सीटें, भले कहीं पर थोड़ी बढ़त बना ले, 80 की 80 सीटें है, 80 की 80, ठीक है तिवारी जी, और इंडिया अगले बार हम मैनपुरी जीतने जा रहे हैं, ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, ठीक है समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, रतन जी, अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक तरफ 22 जनवरी को प्रभु श्रीराम के आगमन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ 24 को लेकर राजनीतिक पार्टियों और उनकी रणनीति की भी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। देखना ये होगा कि गठबंधन को जिस तरह से अभी भी बसपा और बहन जी का इंतजार है, क्या वो इंतजार पूरा होता है या 24 तक बहन जी एकला चलो के नारे पर ही अड़ी रहती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।